बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज हम आपके लेसन ब्लैक ब्यूटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। टिक द करेक्ट मीनिंग एज पर द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, इंडिकेट आपको बुक के अकॉर्डिंग, लेसन के अकॉर्डिंग जो इन वर्ड्स का जो मीनिंग बनते हैं वो आपने बताने हैं। गेट थ्रू, तो गेट थ्रू का जो आपके यहाँ पे यूज हुआ है ऑल द वे थ्रू के मीनिंग में यूज हुआ है। डैश अक्रॉस है टू रन क्विकली अक्रॉस, यानी कि जल्दी से तेजी से क्रॉस कर जाना। और व्हिप टॉप है टू बीट विद अ स्ट्रैप, किसी स्ट्रैप के साथ, छड़ी के साथ मारना या हटाना। टियर अप है नेक्स्ट वर्ड, टू रिप अपार्ट यानी कि टुकड़ों में तोड़ देना। मेट फॉर टू रीच। पार्ट टू है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द गुलदिस ऑफ द कॉल्ड सेड देयर आर द हाउंड्स, सबसे बड़े घोड़े ने कहा कि वो शिकारी कुत्ते हैं। द ओल्ड हॉर्स डैश एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, तो इसका मतलब स्नॉर्टेड आएगा। Snorted before I was 2 years old, a ya an happened, तो circumstances के साथ आएगा। Where I did look there was a sad sight, वहां पर एक दुख देने वाला मंजर था। I was so that I did not first see what was going on by the brook, तो मैं इतना हैरान था। astonished इसका मीनिंग यहाँ पे आएगा जो आपकी बुक में वर्ड यूज हुआ है astonished। स्टूडेंट्स अब आप इन एक्सरसाइज को देखें और इसको अपनी बुक पे सॉल्व करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।